सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों अक्सर लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं, जैसे कि कोई फोटोज हो, वीडियोस हो या फिर किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट फाइल हो, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव करके रखते हैं। अब ऐसे में कभी कभी गलती से हमसे वो फाइल डिलीट हो जाता है या फिर कोई आके उसे डिलीट कर देता है। फिर हम बाद में सोचते हैं कि कैसे हम उन फाइल्स को, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हमने अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में सेव कर रखा है, उसे कैसे हम रिकवर कर सकते हैं यानी वापस ला सकते हैं। या फिर बहुत से लोग अपने मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस को सेव करके रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, जो भी हमने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस ले रखा है जिसमें हमने अपना डेटा स्टोर कर रखा है, वो कभी कभी करप्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपना स्टोरेज डिवाइस फॉर्मेट बनाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम इन सारे डेटास को वापस ला सकते हैं यानी रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क से किसी भी तरह के डिलीटेड डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सौरभ आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से फोटोज, वीडियोस या फिर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट फाइल्स को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे तरीके पेड होते हैं यानी जिनको यूज करने के लिए आपको पैसा देना होगा। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में फ्री तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत आसानी से फ्री में अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के हार्ड डिस्क या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से बहुत आसानी से फोटोज, वीडियो या फिर दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट को आसानी से रिकवर कर सकते हैं यानी वापस ला सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे। डेटा को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है रिकुबा। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में। इसके बाद अब मैं आपको अपने पेन ड्राइव से एक डिलीटेड डेटा को रिकवर करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम माय कंप्यूटर को ओपन करते हैं। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसका नाम है मनोज पीडी। तो मैं इसे ओपन करता हूं तो यहां पर आपको दो फाइल मिलेंगे, एक MP4 यानी एक वीडियो और एक फोटो मिलेगा। तो मैं इन दोनों फाइल को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं इसे यहां से डिलीट कर देता हूं। तो ये फाइल डिलीट हो गया। उसके बाद देखिए ये फाइल आपको यहाँ रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अब मैं आपको ये फाइल जो डिलीट किया है मैंने उसे रिकवर करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम सिंपली इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जो भी हमने इंस्टॉल करा है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में। तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप सारे तरह के फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है। अगर आप सिर्फ फोटोज यानी पिक्चर्स रिकवर करना चाहते हैं तो आपको पिक्चर पे सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई म्यूजिक रिकवर करना चाहते हैं तो म्यूजिक पे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि एक्सेल फाइल या फिर पावर पॉइंट तो आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये आपसे बोलेगा कि आप अपने कौन से ड्राइव से रिलेटेड डेटा को रिकवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे इन स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो ड्राइव सिलेक्ट करना है जिससे भी आप डिलीटेड डेटा को रिकवर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इस पे डेटा मैंने डिलीट करा था, तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इनेबल डीप स्कैन पे क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो फाइल साइज है वो कितना है। तो मैंने फिलहाल पिक्चर सिलेक्ट करा था पेन ड्राइव से, यानी मेरे पेन ड्राइव में जितने भी पिक्चर्स हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट का। तो यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस पूरा कम्प्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा इसे कैंसिल कर देता हूँ। जो मैंने फोटोज डिलीट करा था वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, तो मैं इसे सिंपली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने कैंसिल पे क्लिक करा तो जो भी फोटोज मैंने डिलीट करा था, वैसे तो मैंने फोटोज और एक वीडियो डिलीट करा था लेकिन मैंने सिर्फ फोटोज को रिकवर करके दिखाया, तो मैं सिंपली इस फोटोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ रिकवर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं रिकवर पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आप इस फोटोज को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ और ये ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल है वो रिकवर हो चुका है। आप चाहे तो इसे ओपन करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह रिकवर हो चुका है।
तो यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव से दो फाइल डिलीट करे थे, एक फोटोज था एक वीडियोज था। मैंने दोनों फाइल को रिकवर करके इसलिए नहीं दिखाया, अगर मैं दोनों फाइल को रिकवर करता तो मुझे ऑल सिलेक्ट करना पड़ता, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर किसी भी तरह के स्टोरेज डिवाइस जिसमें से आप डेटा को रिकवर करना चाहते हैं उसे पूरी तरह डीप स्कैन करता है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से फ्री में अपने फोटोज वीडियोज या फिर किसी भी तरह के डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को अपने कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क से आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इस वीडियो के बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और यदि मन में कुछ भी सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और अगर आप न्यू हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।